गौतम बुद्ध नगर के नोएडा सेक्टर 58 थाना पुलिस ने एक ऐसे ढोंगी बाबा को जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है जिसके निशाने पर भोले भाले लोग होते थे। वो अक्सर महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश ज्यादा करता था ताकि उनसे जेवर और पैसे ऐंठ सके। इस ढोंगी बाबा के खिलाफ एक पीड़ित महिला ने थाना सेक्टर 58 पुलिस से शिकायत कर अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में बताया था। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि एक ढोंगी बाबा ने उसे धोखे में रखकर उससे अंगूठी हथियार ली और गायब हो गया, जिसके बाद बाबा के कपड़ों और हुलिये को लेकर पुलिस की टीमें उसे पकड़ने के लिए लगाई गई थी। पुलिस टीम ने 24 फरवरी को इस बाबा को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल थाना सेक्टर 58 पुलिस को सूचना मिली कि गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 61 के मेट्रो स्टेशन के पास एक बाबा शिकार तलाश रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस ने ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान ककराला थाना फेस 2 के रहने वाले अज्जुनाथ पुत्र कैलीनाथ के रूप में हुई। इस आरोपी के कब्जे से धोखाधड़ी कर कब्जाई अंगूठी भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त का नाम बाबा अज्जुनाथ पुत्र कैलीनाथ है, जो ककराला थाना फेस 2 नोएडा गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। पुलिस इस ढोंगी बाबा के पूरे इतिहास को खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि इसने कई लोगों को इस तरह ठगी का शिकार बनाया हो सकता है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर बाकी मामलों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस ढोंगी बाबा के खिलाफ थाना सेक्टर 58 के थाने में IPC की धाराओं में 341, 379 और 411 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सनसनी ऑफ इंडिया टीम। अगर आप क्राइम वीडियो देखने के शौकीन हैं और अपने आसपास होने वाले क्राइम से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंत हमारे सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।